नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज नाथ। अपने चैनल के साथ शुरू करते हैं गाइस मुद्दे की बात। तो दोस्तों, नेवल डॉकयार्ड मुंबई में एक बहुत ही बड़ा एक वैकेंसी आ गया है 10th पास वालों के लिए। 10th पास, 8th पास प्लस ITI पास वालों के लिए एक बहुत ही बम्पर एक वैकेंसी आ गया है। तो मैं पूरा डिटेल बात करता हूँ इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो को देखना अंत तक, ठीक है। तो गाइस, जो ये वैकेंसी आया है तो इसको आप अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करोगे, ठीक है। तो इस वेबसाइट टाइप कर लेना, करके जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं थोड़ा थोड़ा एक चीज बता देता हूँ। ये एक ट्रेनिंग टाइप जॉब है जिसमें 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो देख लेते इसमें क्या क्या पोस्ट है। तो इसमें फिटर का पोस्ट है गाइस, मेसन का है, ICT SM प्लस IT एंड ESM, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लेटर, फाउंड्रीमैन मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस मैकेनिस्ट, पेंटर, पेंटर मेकर, कारपेंटर मैकेनिक, REF एंड शीट मेटल वर्कर, प्लम्बर, कारपेंटर, स्विंगिंग टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, वेल्डर। वेल्डर के बाद गाइस 2 ईयर ट्रेनिंग होता है रिगर, जो कि होता है फ्रेशर माने 8th पास, और फॉर्जर, हीट ट्रीटर 10th पास, एंड शिपराइट स्टील वो फिटर होता है। तो टोटल गाइस देख लो आप 281 पोस्ट है ना। तो उसमें भी आगे है कैटेगरी जैसे SC ST OBC के लिए, UR के लिए, PWD, आर्म लोगों के लिए, आर्म माने एक सर्विसमैन जो होता है उनके लिए कितना पोस्ट दिया हुआ है ना। उसके बाद रिजर्वेशन भी है गाइस SC OBC के लिए, एज पर द लॉ रिजर्वेशन है। अगर आप डिजेबल हो, डिजेबल पर्सन हो, तो भी आपके लिए रिजर्वेशन है। आर्म फोर्सेस के जो चिल्ड्रन वगैरह होते हैं, जवान के चिल्ड्रन, ऑफिसर्स का चिल्ड्रन, एक्स सर्विसमैन का, तो उनके लिए भी रिजर्वेशन है। तो क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं गाइस? तो क्वालिफिकेशन आप अगर आपका 10th पास है एलम विथ ITI है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और 10th में आपको 50% मार्क स्कोर करना जरूरी है, और ITI में 65% मार्क स्कोर करना जरूरी है। और अगर आपके पास ITI नहीं है बट NCVT माने नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से आपका सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा। और रिगर का गाइस, रिगर फ्रेशर 8th पास ओनली विदाउट ITI है ना, और हीट ट्रीटर के लिए 10th पास मांग रहे हैं ओनली विदाउट ITI है ना। इधर इधर जो आप दिया हुआ है लास्ट में, रिगर के लिए 8th पास, हीट ट्रीटर के लिए 10th पास मांग रहे हैं है ना। तो ये 8th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और 10 प्लस ITI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एज गाइस मांग रहे हैं 14 साल से 21 साल का बीच में, अगर आपका एज है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो है ना। और एज रिलैक्सेशन भी है HTSC के लिए, जो कि होता है 5 ईयर्स। उसके बाद मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड गाइस 150 सेंटीमीटर हाइट आपका होना चाहिए, आपका जो वेट है वो 45 kg से ऊपर होना चाहिए, चेस्ट एक्सपेंशन गाइस 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, आई सेट 6x6 6x9 होना चाहिए है ना। तो ये है बेसिकली। उसके बाद तो कैंडिडेट जो ऑलरेडी ट्रेनिंग कर चुके हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो गाइस जो इसमें स्टाइपेंड रहेगा, एक्चुअली सैलरी नहीं मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा, तो वो ही सैलरी समझ लो है ना। तो फर्स्ट ईयर में मिलेगा 7,000 ITI पास वालों के लिए। तो जिन्होंने भी 10th प्लस ITI कर चुके और अप्लाई किए, सिलेक्ट हो गए, उनका 7,000 है, और जो 6,000 मिलेगा जो फ्रेशर होंगे। और सेकेंड ईयर जो 2 ईयर का ट्रेनिंग होता है, जो है इसमें 2 ईयर का ट्रेनिंग, उनका 10% जो सैलरी है, जो स्टाइपेंड है, वो नेक्स्ट ईयर इंक्रीज हो जाएगा है ना। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्शन कैसे होगा, तो गाइस एक एग्जाम होगा, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप एक एग्जाम होगा, जिसमें आपको जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसमें गाइस इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होगा। उसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो गाइस सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो ओनली मुंबई है, तो मुंबई में ही आपका से एग्जाम होगा, दूसरे किसी जगह होगा नहीं। और कोई भी चीज इस वेबसाइट को गाइस आपको फॉलो करना है ना। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट अगर आप पहले तो इस वेबसाइट पे जाके आप लॉगिन करके अप्लाई कर दोगे, उसके बाद शॉर्टलिस्ट हो गए जो, वो इस वेबसाइट पे दे दिया जाएगा। और जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपने दिए हो गाइस, वो मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी हमेशा चेक करते रहना, ताकि आप अगर शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको मेल कर दिया जाएगा है ना, और वेबसाइट पे भी तो रहेगा। तो रिटर्न टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा मुंबई, तो मुंबई में जाके आप एग्जाम दोगे तो
उधर जाके अगर एग्जाम क्लियर करते हो तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा आपको, है ना। तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू सिलेक्ट होते तो मेडिकल के लिए, है ना। तो प्रोफेशनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा गाइस, वो आपका जो रिटन एग्जाम होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बेसिस पे बनेगा। अगर दोनों मिला के सेम हो जाए तो जिस ITI ज्यादा नंबर है या 10th में ज्यादा नंबर है तो उनको प्रिफरेंस दिया जाएगा, है ना। तो यही कुछ ऐसा कुछ बोला है, जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें गाइस 75% वेटेज होगा, जो इंटरव्यू होगा 15% वेटेज होगा, और जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है उसमें गाइस 10% वेटेज होगा। तो यही कुछ बोला गया है। जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगा गाइस वो नवंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगा, और कोई TA DA नहीं मिलेगा। जैसे आप एग्जाम देने जाओगे तो उधर कोई TA क्लेम नहीं कर सकते आप, है ना। तो गाइस इस वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई कर देना है, अभी फॉर्म चल रहा है ना। तो इसमें सब कुछ आप डाल दो, माने आपका पासपोर्ट साइज फोटो, SSC का सर्टिफिकेट, जो 10th पास सर्टिफिकेट होता है, 8th पास सर्टिफिकेट, जो जो चीजें है आपका, अगर STSC सर्टिफिकेट है तो वो डाल दो, डिसेबल हो अगर तो उसका एक सर्टिफिकेट बनता है, DDRC से बनता है, तो वो देख लो, वो बना लो, वो अपलोड कर दो। और अगर आप किसी जवान एक सर्विसमैन का डॉटर या सोन हो तो वो भी आप डाल सकते हो। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये JPG फॉर्मेट में डालना है ना, तो ये डाल दो। आधार कार्ड तो कंपल्सरी है, JPG या JPG या JPEG फॉर्मेट में डालना है ना। तो उसके बाद गाइज आपको बुला लिया जाएगा और ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वेबसाइट को फॉलो हमेशा करना है। तो ये बेसिक कुछ चीजें हैं कि उतना जानने की जरूरत नहीं है। और रिजेक्शन किसी कैंडिडेट का होता है तो कैसे होगा, अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है तो ये होगा, ओवर एज होगा, अगर आपका एज ओवर है तो वो कुछ बोला है। तो मैंने जो जो चीज एलिजिबल होता है गाइज वो मैंने ऊपर बोल दिया है। जैसे आपका एज हो गया, आपका हो गया गाइस जो ITI का सर्टिफिकेट या 10th पास 8th पास सर्टिफिकेट है, तो वही है बेसिकली, है ना। तो ये देख लेना गाइस, और इसमें अप्लाई जरूर करना अगर आप 8th पास हो, 10th पास हो और ITI पास हो, तीन चीजों के लिए वैकेंसी है। और गाइस एक चीज और बताता हूँ, जो इस टाइप का जॉब आता है ना 7,000-6,000 रुपए का, तो लोग कम जाते हैं, तो आप जरूर जाना, क्योंकि इससे आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो फ्यूचर में जाके आप, अगर आप बड़े बड़े कंपनी जैसे हो गया आपका टाटा, महिंद्रा, ऐसी टाइप की कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग लाइन में काम करने का मौका मिलेगा, है ना। तो गाइस वीडियो को पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, थैंक यू।